राष्ट्रीय कमेटी द्वारा फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार ने जो 4 साल के अंदर हमारे सारी ट्रेड यूनियन से जो वायदे किए थे उस पर ही विफल नहीं, अभी एक भी वायदे पर खरी नहीं उतरी है, जिसमें कि जितने भी मानदेय कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, ट्रेड यूनियंस में जितने भी ये आपके कर्मचारी आते हैं, सरकार किसी वायदे पर खरी नहीं। ये हमको, हमने सरकार से मांग की थी कि हमको मिनिमम 18,000 रुपये मानदेय दिया, वो नहीं दिया। मजदूर की आवाज़ को सुन नहीं रही सरकार, ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का काम कर। असंगठित क्षेत्र है जिसमें फिरोजाबाद में खास तौर से बिलोइंग कांच चूड़ी उद्योग का कारण होता है, जिसमें लाखों लोग आज काम में लगे हुए हैं। आज स्थिति यह है कि लोगों से 8 घंटे की जगह 9 घंटे 9.5 घंटे काम लिया जाता है चूड़ी के कारखानों में। ब्लोइंग के कारखाने में रेगुलर मजदूर काम करता है, लेकिन उनके फार्म नंबर 12 पे नाम नहीं अंकित किए जाते, जिसकी वजह से उनको तमाम श्रम कानूनों के अंतर्गत ESI, EPF और ग्रेच्युटी का जो लाभ मिलना चाहिए, आप सारे लोग वंचित हैं।